अरे सुनो, हम उस नबी की शान के गुलाम है जिन्होंने बिना चंगे सामान के कुफार के 1000 लश्कर के सामने अपने 313 के लश्कर को खड़ा कर दिया। किसी के पास तलवार थी तो ढाल न थी, और किसी के पास ढाल थी तो तलवार न थी। जब नबी की शान ने 313 को लड़ाया तो चश्मे तलक ने भी देखा, दुनिया क्या पूरी कायनात को बदल के रख दिया। अरे जिस कौम ने एक मिसाल बनकर दिखाया, जो कौम एक अजीम उम्मत बनकर आई, और जो कौम मेरे भाई जिस कौम ने जंगे बदर अहद करबला का जंग देखा, जिस कौम ने जमाने से यजीद फिरौन नमरूद और कुफार का खात्मा देखा, आज मैं सोचकर हैरान हूं कि मैं उसी कौम का हिस्सा हूं। आज हमारे लोग ही हमें बर्बाद करने में लगे हैं। आज मैं ये सोचता हूं कि मैं उसी कौम का हिस्सा हूं। आज मुझे जुल्म के आगे बोलने से रोका जाता है, वक्त खराब है ये बोलकर टोका जाता है, लेकिन सुनो मुसलमानों, जुल्म के आगे चट्टान है हम। हमी टीपू कासिम सद्दाम है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे ना परेशान है। अरे हम वही उम्मती और वही मुसलमान है। जैनुल आबदीन के आंसू तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुम्हें उस कटी हुई गर्दन का वास्ता, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता, तुम्हें अली असगर के बचपने का वास्ता, तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजू का वास्ता, तुम्हें मेरे भाई कासिम के टुकड़ों का वास्ता, तुम्हें मेरे भाई सकीना की प्यास का वास्ता। आज वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि इत्तेहाद लो, मुत्तहिद हो जाओ, अभी आजमाई चलती जमीन पर नहीं आने वाला, कोई और पैगंबर यहाँ नहीं आने वाला। प्यास कहती है रेत निचोड़ी जाए, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। हम पुकारेंगे तो सैले हरम आएंगे, उड़ाते हुए नुसरत के आलम आएंगे। अब मेरे भाई अबाबीलों के मानिंद हम आएंगे, वो बात अलग है कि तादाद में कम आएंगे, लेकिन सुनो जालिमों, उस आसमां से इस जमीन पर उतरने वालों, जिस दिन हम इत्तेहाद में आएंगे वो दिन तुम पर भी अजाब होगा।